नमस्कार, BNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भदोही की बात। भदोही की बात में आज जो खास खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सर्व समाज जनहित पार्टी का क्रमिक अनशन। जी हाँ, बात कर रहे हैं सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह की, जिन्होंने रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल से लेकर रामपुर घाट की बदहाली समेत अन्य किसानों मजदूरों से जुड़े मामले को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भदोही की बात में आज हम मौजूद हैं रामपुर गंगा घाट पर। यहाँ पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं विभिन्न मसलों पे, क्या मांगे हैं सरकार की तरफ से, क्या आपको उत्तर मिला है, क्या उम्मीदें आपने संजोई हैं। विभूति जी बताइए, सरकार की तरफ से अभी तक चूँकि आपका क्रमिक अनशन शुरू हुआ है जी, और क्रमिक अनशन का उद्देश्य क्या है और सरकार की तरफ से कितना महत्व मिला अभी तक, प्रशासनिक कोई नुमंदा यहाँ आया कि नहीं? देखिए द्विवेदी जी, ये क्रमिक अनशन शुरू हुआ रामपुर घाट पर पक्का पुल निर्माण के लिए। और अर्थों से मांग कर जाए, आप जानते भी होंगे, आप लोकल भी जानते भी होंगे कि पंडित श्याम दास मिश्रा ने इस बात को उठाया था। और 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, भारत सरकार और वीरेंद्र सिंह सांसद भी कोल्हापुर में आम सभा किए थे, बहुत बड़ी सभा थी। उसमें ऐलान किया था, बोले भी थे कि रामपुर घाट पर पक्का पुल बनवाया जाएगा। और आज तक जो है ये ठंडे बस्ते में चला गया। हम भाजपा के सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में, हमारे भदोही जिला को कुछ मिला नहीं है। ये रामपुर घाट पक्का पुल का निर्माण करा दें तो हम जो है इनके साथ इनके समर्थन करते हैं, नहीं तो हम इनको और भी नहीं देने देंगे। तो ये थे हमारे साथ विभूति नारायण सिंह, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार में अभी तक भदोही जनपद को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और यहाँ की सबसे बड़ी मांग अगर कुछ रही है तो रामपुर जोपा गंगा घाट पर पक्का पुल की रही है, जो लंबे समय से चली आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित श्याम धर्मिश्रा ने भी इसकी पहल की थी लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धनेश प्रसाद पंडा, मैं सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूँ। मैं चाहता हूं कि रामपुर घाट पर पक्का पुल का निर्माण होना अति आवश्यक। अगर नहीं हुआ तो इसके लिए सर्व समाज जनहित पार्टी के तत्वाधान में अभी तो हम लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं, आगे चलकर आमरण अनशन और जनमानस के सहयोग से चक्का जाम प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि रामपुर घाट पर पक्का पुल होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये लंबे समय से चली आ रही है। केंद्रीय मंत्री पंडित श्याम धर मिश्रा जी ने भी इस कार्यक्रम को लिया था लेकिन कुछ बछोले नेताओं के चक्कर में ये कार्यक्रम जो है बस्ते के झोले में चला गया। आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू विभूति नारायण सिंह ने इस बेड़ा को उठाया है और इस बेड़ा को लेने के लिए हम लोग को अगर कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो दे के रहेंगे और पक्का पुल ले के रहेंगे और राम सेतु का निर्माण करा के रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भाजपा को कार्यक्रम को इसको व्यवस्था देना पड़ेगा और नहीं तो आने वाले चुनाव में हम भदोही जनमानस के सहयोग से वोट देने की भी क्रिया को रोकने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ सर्व समाज जनहित पार्टी के कुछ पदाधिकारी, जिन्होंने कहा है कि अगर सरकार नहीं चेती और हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी बताइए, पक्का पुल के लिए क्या क्या प्रक्रिया पूर्व में हुई थी जो आपकी जानकारी में है? किसानों का रामपुर घाट पर पक्का पुल बनने के लिए किसानों का जमीन लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित की ली गई कि यहाँ पर रामपुर घाट पर पक्का पुल बनेगा, लेकिन किसानों को 6,000 रुपये बीघा
दिया गया और यह भी कहा गया कि हर किसान को, एक एक किसान को नौकरी दिया जाएगा, हर परिवार को, जिन लोगों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है उनको मिलेगा। लेकिन आज तक न किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की ले गई, लोक निर्माण विभाग द्वारा ले लिया गया, यहाँ पक्का पुल नहीं बना, हम लोगों के साथ, किसानों के साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। और न आज तक मुआवजा की भी पूरा नहीं दिया गया, वह नौकरी का लालच भी दिया गया, कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। और हम लोग यह चाहते हैं कि हम लोगों को जो मुआवजा दिया गया वो ठीक है, जो नहीं दिया गया वो भी ठीक है, लेकिन रामपुर घाट पर पक्का पुल का निर्माण होना चाहिए। ये थे कुछ ऐसे किसान जिन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। इनके अनुसार ये कुछ कागजात ये दिखा भी रहे हैं जो पूर्व की प्रक्रिया में था, लेकिन रामपुर गंगा घाट पर ये पक्का पुल का निर्माण अभी तक अधर में ही लटका हुआ है, जिसे लेकर देखा जाए तो पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पे पक्के पुल के निर्माण को लेकर किसी दल द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा और सभी लोगों द्वारा, यहाँ के किसानों ग्रामीणों द्वारा इस तरह से यहाँ क्रमिक अनशन किया जा रहा है। किसानों से लेकर ग्रामीण और सर्व समाज जनहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने इस बात को ठाना है कि कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन हम रामपुर जोपा गंगा घाट पर पक्का पुल लेकर रहेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि ये पक्का पुल भदोही जिले की राजनीति का शिकार हो गया। जैसा कि तमाम सांसद हुए, सबने वादा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया अपने चुनावी सभाओं में, लेकिन आज तक ये पक्का पुल का निर्माण नहीं हो सका, जिसमें मेरे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विभूति नारायण सिंह जी अब क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। और हम सभी पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण और यहाँ के जनसमूह के साथ तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो जाता। संतोष कुमार, सर्व समाज जनहित जिला सचिव बोल रहा हूँ, और हम सभी पदाधिकारियों की इच्छा और जनमानस की इच्छा है कि पक्का पुल रामपुर घाट पे ही बनना चाहिए, क्योंकि इसका जो हाईवे से दूरी है 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लगभग है। कम लागत पे ये पुल यहाँ बनना चाहिए।